नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एडवाइज में और मैं हूँ आपके साथ डॉली। इस प्रोग्राम में हम आपको शहर के जाने माने डॉक्टर से मिलवाते हैं जो करते हैं आपकी समस्याओं के समाधान। जैसा कि आज के बदलते दौर में टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास बहुत कुछ बदल दिया है, साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसे परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है लेप्रोस्कोपी, यानी कि कीहोल या फिर दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन। इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सोनाली, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है, साथ ही अग्रवाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 10 साल से अपनी सेवाएं दे रही हैं। नमस्कार डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम डॉक्टर एडवाइस में। जी डॉक्टर सोनाली, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी आखिर है क्या? इनफर्टिलिटी बेसिकली जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं, जिनको बच्चा नहीं आ पाता है एक साल शादी के एक साल तक, तो उन महिलाओं में ये इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझपन की प्रॉब्लम आ सकती है जी, तो उनको तुरंत उसका उपचार के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जी। मैम पूछना चाहती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है बांझपन की जो समस्या है, क्या वो केवल महिलाओं से जुड़ी हुई है या पुरुषों में भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिसकी वजह से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। जो अपने समाज में भ्रांति है कि जो बांझपन है या बच्चे नहीं आ रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है, इसमें लोग सिर्फ महिलाओं को दोष देते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि जितना प्रतिशत महिलाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं इनफर्टिलिटी के लिए, उतना ही पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं। दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि मरीज में लाइक पेशेंट में महिला में कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष में भी सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आती है, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। वह भी एक सामना आपने को देखने में आया है, उस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो क्या समान तौर पर देखा जाता है कि पुरुषों में भी ये है, महिलाओं में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या महिला और पुरुषों दोनों में ये समान तौर पर पाई जाती है? बिल्कुल, महिला में कुछ अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, पुरुष में अलग कारण होते हैं। सबसे पहले जैसे महिला में प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह, सिर्फ महिला या सिर्फ पुरुष का इलाज नहीं करना चाहिए, दोनों महिला और पुरुष को साथ में मिलकर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। महिलाओं में कई कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन कारण जो होता है फेलोपियन ट्यूब, महिला की जो नलियाँ होती हैं अंकोश में किससे जुड़ी होती हैं, वो उसमें कभी ब्लॉक होता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है जी। और कई कारण होते हैं महिलाओं में, जैसे महीना जो है रेगुलर नहीं आता है, उसकी वजह से भी एक कारण होता है, जिससे अंडाशय में एक अच्छा अंडा नहीं बनता है, वह एक कारण होता है। या महिला में पैदाइशी बच्चेदारी में कोई पैदाइशी खराबियां होती हैं, उसकी वजह से भी ऐसा कई बार हो जाता है। जैसे फेलोपियन ट्यूब आपने बताया, इसमें फेलोपियन ट्यूब अगर प्रॉपर नहीं है तो ये किन कारणों से ऐसा होता है? सबसे पहला जो इंडिया में सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कारण है वो है इन्फेक्शन, वो भी ट्यूबरकुलोसिस का जी, ठीक है। उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है या ठीक प्रकार से काम नहीं करती है, जुड़ जाती है जी। तो उस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, महिला का एक से ज़्यादा कोई सेक्सुअल पार्टनर होता है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, और टीबी का इन्फेक्शन उसको बचपन में कभी कभी हुआ हो तो उसकी वजह से भी ट्यूब डैमेज हो जाती है, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से। अच्छा, मासिक धर्म में अनियमितता या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर कोई समस्या है तो उसकी वजह से भी आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है? आजकल जो अपनी लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हो चुकी है, आजकल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लोग जंक फूड्स खाते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी मतलब कि मोटापा बढ़ रहा है। पीसीओ एक प्रॉब्लम है जो कि आजकल बढ़ रही है, जिसमें कि महिला का महीना जो है अनियमित हो जाता है, महीना चढ़ के आता है, उसमें क्या होता है कि फिर एक अच्छा अंडा नहीं बनता है और फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। ये जो पीसीओ प्रॉब्लम है आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा, इवन जो यंग लड़कियाँ हैं शादीशुदा जो नहीं है उनमें भी ये प्रॉब्लम महावारी की अनियमितता काफ़ी देखी गई है, तो इसको भी अपन तो ये जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है ये किन कारणों से होता है? ये जो मोस्ट कॉमन है ये कई बार कंजेनाइटल लाइक जो महिला है बचपन से ही यदि ये प्रोन है उसकी मदर को ऐसा है तो यूजुअली बच्चों में भी ऐसा हो जाता है जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज या रेगुलर अपना एक्सरसाइज रूटीन जरूर करें जी। वेट नहीं बढ़ने दें अपना, जंक फूड्स बिल्कुल अवॉइड करें जी। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल
आप अपनाएं तो इस बीमारी को कई हद तक जी जैसे जेनेटिक कारण के अलावा भी कोई और दूसरे ऐसे वजह हो सकती है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या का सामना करना पड़े। जैसे कि महिलाओं में देखा गया है थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा होता है, कई बार एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसकी मात्रा यदि बॉडी में ज़्यादा होती है तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है जी। कई शुगर लेवल भी अपन चेक कराते हैं, बाकी AMH एक टेस्ट होता है, AMH जो होता है महिला का, ये हमको अंडकोश में अंडे बनाने की शक्ति को दर्शाता है। एज फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे जैसे एज बढ़ती है महिला की जो प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, अंडाशय की क्वालिटी और अंडा बनने की जो क्वालिटी है वो कम होने लगती है। तो AMH जो हार्मोन है वो अपन को बताता है कि इस महिला में अंडा बनने की शक्ति कितनी है, ये उम्र के साथ कम होती है जी। जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है इसके लिए क्या कुछ जांचें आवश्यक हैं जो हमें पहले ले लेनी चाहिए? बिल्कुल, कई यूजुअली इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है लोग छुपाते हैं जी, टाइम से डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, ऐसे करते करते दो चार बार मंदिर में साधु बाबा इन सब के चक्करों में ये पेशेंट्स रहते हैं, उसके बाद काफ़ी लेट 30-35 उम्र के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो उनका पहले सबसे पहले हस्बैंड वाइफ दोनों का वर्कअप करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ है जी। सबसे पहले उसका जो प्रॉब्लम है, जो उनकी कमी है, उसको अपन को दूर किया जाता है, या तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट किया जाता है दवाइयों के माध्यम से, या फिर कोई ब्लॉक है तो उसमें अपन को दूरबीन की जांच करके या ट्यूब टेस्ट करके अपन को अल्ट्रासाउंड करके उसको देखा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जहाँ प्रॉब्लम है फिर उस चीज़ का अपन को निवारण करना पड़ता है प्रेगनेंसी लाने के लिए। आदमियों में स्पर्म की काउंट देखी जाती है, स्पर्म्स कैसे हैं, उनकी गतिशीलता कैसी है वो देखी जाती है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जो पुरुष है उसको दवाइयों के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे लक्षण हैं महिलाओं में या उन्हें कभी ऐसा कुछ महसूस होता है कि उन्हें जब ये लगे कि हाँ मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, बांझपन की मुझे समस्या, और मुझे अब डॉक्टर को दिखवाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, यदि महिला 25-26 साल उम्र है उसकी और शादी को एक साल हो गया है और हस्बैंड बाहर नहीं रहते हैं, साथ में ही रहते हैं, लाइक कभी कभी आर्मी में पर्सन होता है वो उनको दूर जाना पड़ता है, साथ में नहीं रह पाते हैं, तो 1-1.5 साल के बाद उनको अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। यदि कोई महिला जैसे कि 33-35 तक उसकी शादी होती है तो उसको यूजुअली 6 महीने के भीतर भीतर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए जी। तो इस समस्या से, बांझपन की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए किस प्रकार की जो जांचें हैं वो मेन तौर पर की जाती हैं, जिससे इस जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है, इस तरह के कोई ट्रीटमेंट है जो? बिल्कुल, जैसे पहले अपन को नेचुरली सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी पर नहीं जाना चाहिए जी। सबसे पहले मरीज में देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है जी, किस चीज़ पे, या तो उसका अंडा ठीक से नहीं बनता है तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि अपन उसको अंडा बना सकते हैं और प्रेगनेंसी आ सकती हैं। कभी कभी बच्चेदानी में कोई गोला होता है या इन्फेक्शन होता है तो उसको, यदि कोई छोटी मोटी घटान होती है तो हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी के द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाता है जी। यदि उसके हार्मोन में कोई दिक्कत आती है तो दवाइयों से उसको ट्रीट किया जाता है जी। यदि मान लीजिए नलियाँ भी ब्लॉक हैं, उसकी फैलोपियन ट्यूब जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो भी ब्लॉक है, तो सबसे पहले उसको अपन को लैप्रोस्कोपी के द्वारा खोलने की कोशिश करनी चाहिए जी। यदि ये सब करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है और ट्यूब्स वाकई में बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं जी, देन फिर अपन को टेस्ट ट्यूब बेबी की एडवाइस या उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या क्या कुछ जटिलताएं ऐसी हैं, क्या कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो महिलाओं को झेलने पड़ते हैं इस दौरान? टेस्ट ट्यूब बेबी नॉट, ऐसा मानते हैं कि, लेकिन इट्स नॉट पेनफुल जी। इसमें महिला के एक नहीं कई सारे अंडे बनाए जाते हैं जी। इन अंडों को एक सुई के माध्यम से बाहर निकाल के जी, उसमें हस्बैंड का सीमेन मिला के भ्रूण तैयार किए जाते हैं जी। जब भ्रूण 2 या 3 दिन के या 5 दिन के हो जाते हैं तो उनको बच्चेदानी में अपन फिर से प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। इट्स ऑलमोस्ट नेचुरल प्रोसेस, हस्बैंड का स्पर्म है, वाइफ का ओवम है, लेकिन जिनको ट्यूब्स ब्लॉक है तो नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो उनको अपन को IVF तकनीक के माध्यम से प्रेगनेंसी आ सकती है। IVF तकनीक, मैम आपने बताया, IVF तकनीक आखिर है क्या? IVF मैंने जैसा कि आपको बताया, IVF क्या होता है, इसमें जो महिला नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है या कई बार IUI कराने के बाद भी फेल हो गया है, ऐसे दंपतियों में अपन को IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अपन मल्टीपल फॉलिकल्स, मल्टीपल अंडे बना के इंजेक्शन हॉर्मोन्स के द्वारा
बना के उसमें अंडों को बाहर निकाल के भ्रूण तैयार करके फिर गर्भाशय में रखा जाता है जी। तो ये तकनीक जो होती है टेस्ट ट्यूब बेबी की कहलाती है। इसमें सफलता की कितनी क्या चांसेस हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की जो सफलता है उसके चांसेस क्या हैं, क्या जो बच्चा है वो नॉर्मल होता है? लोगों का अगर कोई धारणा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बच्चा हुआ है वो आम बच्चों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सही जवाब है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी में अंडा मरीज का ही रहता है, स्पर्म हस्बैंड के ही रहते हैं, तो ये उनका बायोलॉजिकल जो भ्रूण है वो आपका ही बच्चा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अलग है या कोई स्पेशल है, ठीक है। इसमें जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है प्रेगनेंसी आने के लिए। सो इसमें अपन उसको भ्रूण बना के बच्चेदानी में डालते थे, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो नेचुरली जैसा कि अन्य महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसकी तरह ही उसका ट्रीटमेंट चलता है। इन केस मैम अगर देखा जाए कि महिला नॉर्मल है और पुरुष में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है, तो इस केस में टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या प्रोसेस? बिल्कुल, कई बार क्या होते हैं स्पर्म जो है इतने गतिशील नहीं होते हैं कि वो अंडाशय को अंडाशय तक पहुंच पाए, या फिर अंडाशय की एक कवरिंग रहती है उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाए, उसको अंदर जा पाए, तो ऐसी यदि प्रॉब्लम होती है या फिर शुक्राणु जो होते हैं वो खुद ही डैमेज हो जाते हैं अंदर जाकर, तो पुरुषों को अपन को दवाइयों के द्वारा उसको ठीक किया जाता है जी। ठीक, उसके अलावा भी यदि नहीं हो रहा है तो उसमें इक्सी एक तरीका है, IVF में एक एडवांस टेक्निक है इक्सी जिसे बोलते हैं, जिसमें कि स्पर्म एक जो अच्छा स्पर्म है वो लेके और डायरेक्टली अपन उसमें ओवा में उसको इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि भ्रूण डेवलप हो जाता है। लेप्रोस्कोपी आखिर होता क्या है? लेप्रोस्कोपी कोई सर्जरी का नाम नहीं है जी, ये एक तकनीक है जिसके द्वारा अपन अंदर जो पेट के अंदर कोई ट्यूमर है या कोई खराबी है उसको अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं जी। लेप्रोस्कोपी में जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा यदि पेट के अंदर कोई दिक्कत है या कोई ऑपरेशन है या किसी पार्ट को निकालना है या गठान है उसको रिमूव करना है, तो एक बड़ा चीरा लगा के उसको रिमूव करके जाँच के लिए भेजा जाता है। लेप्रोस्कोपी में इसमें जो होता है बहुत 2-3 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर के कट्स लगा के उसे बहुत छोटे होल्स के जरिए सर्जरी की जाती है, जिसके लिए बड़ा चीरा नहीं आता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है इसके बाद, और उसको उन्हीं होल से निकाल के उसको जांच के लिए अपन भेज सकते हैं जी। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में बहुत ही कम, मतलब चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। दूरबीन के द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है। तो मैम जानना चाहूंगी कि लेप्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है और किन किन बीमारियों में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, महिलाओं की अगर बात की जाए तो? लेप्रोस्कोपी इन गायनेक फील्ड में 2 तरह की होती है, लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टरोस्कोपी। जिसमें लेप्रोस्कोपी में जो पेट के गठाने होती हैं या अंडाशय में कोई गठान बन गई है या ट्यूमर हो गया है उसको रिमूव करना है, या कोई जुड़ा है जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी फेलोपियन ट्यूब सीधी ब्लॉक है तो उनको खोलने का ऑपरेशन अपन को दूरबीन की पद्धति से करना होता है जी। या एंडोमेट्रियोटिक एक सिस्ट होती है, चॉकलेट सिस्ट जो पेट में बन जाती है उसको अपन को रिमूव करना है, या डर्मोइड सिस्ट है, ऐसे ओवेरियन कोई भी सिस्ट होता है उसको रिमूव करना है, तो अपन लेप्रोस्कोपी के माध्यम से कर सकते हैं। एक और अपन देखते हैं हिस्टरोस्कोपी। हिस्टरोस्कोपी में जो क्या बच्चेदानी के जो नेचुरल पैसेज होता है उसके थ्रू अपन को, इसमें कोई टाँका चीरा नहीं आता है, नेचुरल वे की तरह अपन उसको अंदर जाके उसमें यदि बच्चेदानी के अंदर कोई गठान है या कोई जो अंडाशय अंदर जो खाल ज़्यादा मोटी बन गई है उसकी बायोप्सी लेनी है, या कुछ एरिया ठीक नहीं लग रहा है उसका टुकड़ा अपन को लेना है, तो या अपन को देखना है कि अंदर कोई पर्दा है कि नहीं बच्चेदानी के अंदर, बच्चेदानी में और कोई जुड़ाव तो नहीं है, तो वो सारे अपन उसको बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कब करवानी होती है, क्या इसका एक सही समय है? जैसे ही आपको यदि प्रेगनेंसी नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द होता है, यूजुअली ओवेरियन सिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यदि मान लीजिए दर्द है तो इसके बचाव के लिए एक सीधा एक है कि महिलाएं हर साल अपना एक गायनेक चेकअप कराएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं, जिसके माध्यम से अपन को ये बीमारियाँ पता चल सकती हैं, और उसका एक बार पता चल गई तो उसका रोग का निवारण अपन कर सकते हैं दूरबीन पद्धति के द्वारा। लेकिन ये आवश्यक क्यों है, मतलब ऐसा जरूरी है कि हमें ये सर्जरी करवानी है, क्यों आवश्यक है? यदि कोई भी प्रॉब्लम है पेट में, यदि ट्यूमर है तो उसको रखना ठीक नहीं है जी। उसकी वजह से आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, महीने में अनियमितता है या प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो ये अपन को रिमूव करके ही उसको
ठीक किया जा सकता है जी। तो उसको बेटर है कि आप रिमूव करके उसको जांच के लिए भेजें कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, जैसे कि हम बच्चेदानी के अंदर यदि कोई ट्यूमर या पॉलिप होता है उसको अगर रिमूव कर दे तो प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाते हैं, या अंदर बच्चेदानी दो भागों में डिवाइडेड होती है उसको उसका पर्दा अपन क्लियर कर देते हैं तो बच्चेदानी एक और स्मूथ हो जाती है। तो कई बार पेशेंट्स के जो बार बार अबॉर्शन होते हैं वो नौबत रुक के एक बच्चा इस दौरान किस प्रकार के एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है? लैप्रोस्कोप में यूजली अपन जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, इसमें पूरी बेहोशी देकर मरीज को एनेस्थेटाइज किया जाता है जी। तो जनरल एनेस्थीसिया इसमें प्रेफर करते हैं। तो मरीज को मतलब किस तरह का महसूस होता है उस वक्त, तो उसकी जो बॉडी है वो कैसा फील करती है? मरीज को कोई होश नहीं रहता है, अंडर एनेस्थीसिया रहता है, मरीज को कोई पेन नहीं होता है, मरीज बिल्कुल कम्फर्टेबल रहता है। और क्या कोई पार्टिकुलर पार्ट है या फिर पूरा बॉडी जो है वो सुन पड़ जाता है उस वक्त? पूरा बॉडी इसमें सुन किया जाता है लेप्रोस्कोपी में। लेप्रोस्कोपी का जो ऑपरेशन है तो उस दौरान किस प्रकार की तैयारी है जो प्राथमिक तौर पर पहले से कर ली जाती है, क्या कुछ तैयारियां आवश्यक है? यूजली मरीज को पहले लिक्विड डाइट दे दी जाती है, सॉफ्ट डाइट उसको कहा जाता है लेने के लिए। जिस दिन सर्जरी हो उस दिन उसको अच्छे से वो मोशन करके रहे, और उसके बाद मरीज को निल बाय माउथ मतलब खाली पेट आना पड़ता है, देन फिर उसको सर्जरी अपन करते हैं उसकी जी। ये थोड़ा सा उसको ध्यान रखते हैं, प्री ऑप अपन एक एंटीबायोटिक लगा देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन या संक्रमण का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है जी। फिर अपन उसकी अच्छा लोगों में ये धारणा भी है कि लेप्रोस्कोपी करवाने के दौरान उन्हें किसी प्रकार का कोई रिस्क कोई स्थिति बनती है, किसी प्रकार की कोई जटिलता है, क्या कुछ शरीर में लक्षण देखने को मिलते हैं ऑपरेशन के बाद में? यूजुअली ऑपरेशन के बाद, किसी भी ऑपरेशन के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर लेप्रोस्कोपी इतना सेफ है कि मरीज 24 आवर्स 24 से 48 घंटे में उसका डिस्चार्ज हो जाता है। थोड़ा उल्टी जैसा मन होना, पेट फूलना, ये सब नॉर्मल लक्षण है, पर इससे घबराना नहीं चाहिए पेशेंट को। और ये इतना इसमें छोटे छोटे कट्स आते हैं, इसमें बड़ा कोई चीरा नहीं लगता है, तो रिकवरी पेशेंट की बहुत अच्छी होती है। 24 से 48 घंटे बाद मरीज अपने रूटीन काम पे भी जा सकता है जी। तो ये इसके थोड़े से एडवांटेज हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ एक लक्षण है जो मरीज में देखे जाते हैं, वैसे घबराना नहीं चाहिए, जैसे कि संक्रमण है किसी प्रकार का, उल्टी है, थकान है या फिर पेट फूलना है, लेकिन क्या ये इस हद तक बढ़ सकता है कि मरीज को लगे कि उसे अब डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर लेना चाहिए, क्या कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है? यूजली ये एक दो दिन में सेटल हो जाते हैं, लेकिन यदि फिर भी उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा है या उल्टियाँ रुक ही नहीं रही हैं 24 से 48 घंटे के बाद, तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर के पास जाकर सेकेंडरी चेकअप कराना चाहिए। जी, जैसे कि लेप्रोस्कोपी आपने बताया, इसमें महिलाओं से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड का यूट्रस आपने बताया था, तो फाइब्रॉइड यूट्रस आखिर ये समस्या क्या है? ये एक तरह का गठान है बच्चेदानी में, जो गठान होती है यूजुअली ये बिनाइन होते हैं। गठान बॉडी में दो तरह की हो सकती है, एक तो कैंसर वाली गठान और एक बिना कैंसर की गठान। बिना कैंसर की जो ट्यूमर होते हैं यूजुअली ये फाइब्रॉइड यूट्रस होते हैं। यदि इससे मरीज को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे माहवारी में अनियमितता होती है या भारीपन होता है या कोई इसमें पेट में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर इस ट्यूमर को निकालना पड़ सकता है। तो इसके जो सही ट्रीटमेंट है उसके लिए क्या ऑप्शंस आप बताना चाहेंगे? इसके लिए आप लेप्रोस्कोपी तकनीक एडवांस टेक्निक है जी। आप लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ट्यूमर को निकाल सकते हैं। यदि महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है और फाइब्रॉइड है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको रिमूव किया जाए जी। तो वो समय के साथ अपने आप, जैसे ही महिला का मीनोपॉज आता है, महीना टूटने की उम्र है, तो ये अपने आप ये श्रिंक हो जाते हैं। तो यदि कोई लक्षण है तो उसको डेफिनेटली, यानी कि सर्जरी के बाद जो नॉर्मल होने में कितना कुछ वक्त लगता है? यूजली लेप्रोस्कोपी में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, जैसा कि कन्वेंशनल जो अपन बड़े चीरे के माध्यम से करते हैं उसमें 6 हफ्ते से लेके 3 महीने तक इसमें रिकवरी का टाइम लग जाता है। लेकिन लेप्रोस्कोपी बहुत एडवांस टेक्निक है, इसमें 24 से 48 घंटे से लेके 2-3 दिन में पेशेंट जी अपने रूटीन वर्क के लिए जा सकता है। अगर लेप्रोसी से जुड़ा हुआ अगर ओवेरियन सिस्ट की हम बात करें, तो ओवेरियन सिस्ट के बारे में मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये ओवेरियन सिस्ट? क्या नॉर्मली जो अंडा बनता है, अंडाशय दो तरह, बच्चेदानी की दोनों तरफ दोनों एक एक अंडाशय होते हैं, दो अंडाशय बॉडी में होते हैं।
हैं उसमें कोई सिस्ट बन जाए नॉर्मली, बिना कैंसर की सिस्ट भी होती है, कैंसर वाली सिस्ट भी होती है, एक चॉकलेट सिस्ट भी बनती है जो कि जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, तो उसको आप लैप्रोस्कोपी से बहुत अच्छे से उसको रिमूव कर सकते हैं। मैम पता कैसे चलता है कि ओवेरियन सिस्ट हो गया है कैसे? वही मैंने आपको बताया, इसके कई बार कोई लक्षण नहीं होता है और पेट में सिस्ट बन जाती है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो महिलाएं हैं साल में एक बार अपना गायनेक चेकअप कराएं और अल्ट्रासाउंड कराएं। आजकल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि इस महिला को सिस्ट है कि नहीं है या पहले थी कि नहीं, तो इस जरिए से अपन उसको अपन पता लगा सकते हैं। इसके इलाज का प्रोसेस क्या है मैम? यदि वो कोई फंक्शनल सिस्ट है, कोई भी अंडाशय में सिस्ट है और उसमें अंदर कोई इंडेंटेशन नहीं है, 5 सेंटीमीटर से कम है, उसको कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको मेडिसिन के माध्यम से घोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई सिस्ट बहुत बड़ी है, उससे मरीज को दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है या ज़्यादा दिक्कत है, तो फिर वो सिस्ट को अपन को रिमूव करना पड़ सकता है। ओवेरियन सिस्ट अगर है तो क्या कुछ ऐसे खतरे हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं, क्या कुछ जटिलताएँ पाई जाती हैं? हाँ, ओवेरियन कैंसर है तो पेशेंट को बार बार दर्द हो सकता है, महीने में अनियमितता हो सकती है, यदि वो ट्विस्ट हो जाए तो बहुत अक्यूट, बहुत तेज पेट में दर्द होता है जिसको इमीडिएटली अपन को रिमूव कराना पड़ता है। और अंडाशय से मान लीजिए किसी प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चे नहीं हैं और ओवरीज में दोनों तरफ सिस्ट है या वो चिपकी हुई है, तो फिर कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो लैप्रोस्कोपी से इसका इलाज किस प्रकार संभव है, क्या प्रोसेस है? लैप्रोस्कोपी से इसका इलाज बिल्कुल संभव है। जो सिस्ट होती है उसको पहले देखा जाता है किस तरह की सिस्ट है और उसको लैप्रोस्कोपी के माध्यम से उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है और इससे बड़ा चीरा भी नहीं लगता है और फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। इससे काफ़ी फायदे हैं, लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टोमी बोलते हैं इस प्रोसीजर को। उसके बाद उसकी जांच करा ली जाती है कि उसमें कोई और दिक्कत थी कि नहीं थी। जी मैम, अगर हिस्टेरेक्टोमी की बात की जाए तो आखिर ये है क्या? हिस्टेरेक्टोमी एक ऑपरेशन का नाम है जिसमें अपन बच्चेदानी में यदि कोई खराबी होती है जी, तो उसको बच्चेदानी को बाहर निकालना हिस्टेरेक्टोमी वर्ड यूज़ किया जाता है। दोनों तरह से होती है, इसमें एक दूरबीन के माध्यम से भी बच्चेदानी को निकाला जाता है या फिर जो चीरा, बड़ा चीरा लगा के वो भी निकाला जाता है। एक आजकल एक पुरानी टेक्निक है कि बच्चेदानी को अपन नीचे से भी निकाल सकते हैं, उसमें जो पेट पे कोई टाँका चीरा नहीं आता है, जो नेचुरल वजाइना के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है। मैम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या कुछ ऑप्शन है कि इसे निकाला ना जाए, इसका कोई विकल्प मौजूद है और आवश्यकता पड़ती क्यों है? बच्चेदानी में यदि मान लीजिए कोई ट्यूमर है या महीना बहुत ज़्यादा जाता है जी, या बच्चेदानी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, महीना टूटने के बाद ब्लीडिंग होती है, ऐसा कोई भी कारण होता है तो अपन को बच्चेदानी रिमूव करना ही एक लास्ट ऑप्शन होता है जिससे कि मरीज को ठीक किया जा सके। तो मैम क्या पूरा जो गर्भाशय है वो पूरा हटा दिया जाता है या कुछ एक पार्ट्स ऐसे हैं केवल वही हटाए जाते हैं? बिल्कुल, हिस्टेरेक्टोमी में यूजली महिला का जब तक ओवरीज फंक्शन है, एज 50 साल से कम है, तो यूजली अंडाशय नहीं निकाले जाते हैं, बाकी फैलोपियन ट्यूब और बच्चेदानी अपन निकाल देते हैं, बिकॉज ओवरी से अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको यंग रखते हैं, आपको महीना टूटने के बाद जो महिलाओं में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वैसा मेनोपॉज के लक्षण थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो इससे कई फायदे होते हैं जैसे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, तो इसलिए सिर्फ। अगर इसके फायदे और नुकसान अगर हम दोनों की बात करें तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं? हिस्टेरेक्टोमी के अपने नुकसान हैं ऑब्वियसली, फायदे करने के ये है कि मरीज की जो तकलीफ है, माहवारी ज़्यादा जाना या दिक्कत होना, पीठ में दर्द होना, इन सब से उसको निजात मिल जाता है बच्चेदानी निकालने के बाद। कई बार महिलाओं को प्रॉब्लम आ जाती है कि उसकी अंडाशय जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो वो उतना बेटर काम नहीं कर पाते हैं या फिर ढीलापन आ जाता है शरीर में, हड्डियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, हॉट फ्लशेज या महीना टूटने के बाद जो लक्षण होते हैं वो मरीज को दिखने लगते हैं, तो उसका अपन को देखना पड़ता है कि मरीज को बच्चेदानी निकालने से ज़्यादा फायदा है कि ना निकालने से। जी अस्पताल में महिलाओं को कितने वक्त तक रुकने की आवश्यकता पड़ती है? लैप्रोस्कोपी बहुत डे केयर सर्जरी मानी जाती है, मरीज 24 से 48 घंटे में अपने घर खा पी के आराम से बिल्कुल जा सकता है और अपने 2-3 दिन में के बाद अपने रूटीन काम पे भी अपना जा सकता है। तो अगर रिकवरी की बात करें हम, रिकवरी के बाद कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जो हमें सामान्य तौर पर जानना आवश्यक है?
रिकवरी के बाद जैसा कि बताया बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है या बहुत ज़्यादा पेट फूलता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि कोई दिक्कत नहीं हो तो यूजुअली मरीज आराम से अपना सब काम कर सकते हैं, बस उसको भारी वजन का परहेज अपन बताते हैं कि भारी वजन ना उठाए या ज़्यादा खांसी ना होने चाहिए, खांसी से स्टिचेस को थोड़ा सा प्रेशर आता है। बाकी वो अपना सारा रूटीन वर्क, यही इसकी खासियत है कि अपना रूटीन वर्क आराम से पेशेंट कर सकता है। तमाम जानकारियां देने के लिए डॉक्टर आपका शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में शहर के जाने माने किसी और डॉक्टर के साथ डॉक्टर एडवाइस में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। थैंक यू।